मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल का कोरोना से निधन। जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल की तबीयत में कोई सुधार नहीं होने की वजह से सोमवार देर रात उनका निधन हो गया। एम्स में भर्ती डॉक्टर अग्रवाल का कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से इलाज चल रहा था और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी। उनकी हालत स्थिर बनी हुई थी। गौमूत्र पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर का अजीबोगरीब बयान, बोली इससे नहीं होता फेफड़े का संक्रमण। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कोरोना को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गौमूत्र अर्क पीने से फेफड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है, इससे कोरोना वायरस से भी बचा जा सकता है। उन्होंने कहा टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई और ममता आमने सामने। सीबीआई ने टीएमसी के 4 नेताओं को किया था गिरफ्तार, बीजेपी में शामिल हुए नेताओं पर कोई जांच नहीं। मध्य प्रदेश को राजगढ़ में जिला अस्पताल में भरा पानी, टपकने लगी कोविड-19 आईसीयू की छत। तौते की वजह से एमपी में कई जिलों में बारिश हो रही है। राजगढ़ जिला अस्पताल के आईसीयू कोविड वार्ड में पानी घुस गया। बारिश के बाद वार्ड की छत से पानी टपक रहा है, अधिकारियों ने जांच की बात की है। चित्रकूट जेल में खूनी जंग, सीएम योगी ने जेलर के बाद जेल अधीक्षक को भी किया निलंबित। जेल के अंदर गोलाबारी और हत्या के बाद चित्रकूट जेल के जेलर और जेल अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है, साथ ही विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। टूलकिट पर बीजेपी ने कहा पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश, कांग्रेस ने टूलकिट को बताया नकली। कांग्रेस की टूलकिट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस कोरोना की दूसरी लहर से फायदा लेने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का बर्ताव गिद्ध से भी बुरा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पीएम मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। ताउते का कहर, समुद्र में फंसी नाव, नेवी का मिशन रेस्क्यू जारी, अब तक 177 को बचाया गया। चक्रवाती तूफान ताउते का कहर महाराष्ट्र गुजरात में दिख रहा है। मुंबई के पास समुद्र में एक बड़ी नाव फंस गई है जिसमें 273 लोग सवार हैं। अब भारतीय नेवी की ओर से बचाव ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पीएम मोदी ने देश के 46 डीएम से की बात, कोरोना से जंग में कंटेनमेंट जोन और एग्रेसिव टेस्टिंग को बताया सबसे बड़ा हथियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को कोरोना वायरस से प्रभावित राज्यों और जिलों के क्षेत्रीय अधिकारियों से बात करते हुए कोविड-19 के खिलाफ सबसे बड़े हथियार की जानकारी दे रहे थे। खतरों के खिलाड़ी 11 में हुआ पहला एलिमिनेशन, बिग बॉस फेम कंटेस्टेंट हुआ शो से बाहर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता चमनलाल गुप्ता का निधन, कुछ दिन पहले दी थी कोरोना को मात। चमनलाल गुप्ता के बेटे अनिल गुप्ता ने बताया कि वह 5 मई को कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे और सफल इलाज के बाद रविवार को नारायण अस्पताल से वापस घर आ गए थे। भारतीय राजनीति, कुंभ को सुपर स्प्रेड इवेंट बताना, ईद की भीड़ मत देखना। कांग्रेस पर बीजेपी का बड़ा आरोप, संबित पात्रा ने कहा कि टूलकिट में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने लोगों को कहा गया था कि ईद की भीड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करनी है और कुंभ तथा ईद की भीड़ की तुलना से भी बचना है। कोरोना के कम होते मामलों में ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता, गाँव पर देना होगा ध्यान। पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए जिला अधिकारियों को टेस्टिंग और स्थानीय कंटेनमेंट जोन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहा है। नए मामले घट रहे हैं और एक्टिव केसेस भी बढ़ गए, लेकिन मौतों के आंकड़े। इरा खान को पसंद नहीं आया आमिर खान का बेटा कहलाना, यूजर को दिया जवाब। आमिर खान की बेटी इरा खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक लाइव सेशन किया। इस दौरान एक यूजर ने उन्हें आमिर खान का बेटा कहकर बुलाया।
यह सुनकर ईरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने यूजर को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। अक्षय कुमार की फर्स्ट स्क्रीन लुक का वीडियो वायरल हुआ, खुद को देखकर हंस पड़े एक्टर। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए एक्टर का फर्स्ट स्क्रीन लुक सामने आया, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम। ब्रह्म मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खुले बद्रीनाथ के कपाट। बद्रीनाथ के कपाट आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में विधि विधान के साथ खोल दिए गए। भारतीय पुरुष और महिला टीम में एक साथ इंग्लैंड के लिए हो सकती है रवाना। भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों के अपनी अपनी सीरीज के लिए 2 जून को चार्टर फ्लाइट एक साथ इंग्लैंड जाने की संभावना है। बैंक्रॉफ्ट अपने ही दावे से मुकरे, कहा गेंद से छेड़खानी प्रकरण की कोई नई सूचना नहीं। बैंक्रॉफ्ट ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कहा कि उनके पास 2018 के गेंद से छेड़खानी विवाद पर कोई नई सूचना नहीं है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी पर लग सकता है प्रतिबंध, बजट सत्र में विधेयक लेने की तैयारी। क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध के लिए सरकार ने जिस विधेयक को लिस्ट किया है उसमें आधिकारिक डिजिटल मुद्रा पर विधायी ढांचे के निर्माण का भी प्रावधान है।